हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल भगवाल और आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स ओजी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स में पहला चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक को बढ़ाते हुए किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, इसके पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले आप उसको देखें, उसके बाद इस टॉपिक को देखें, यहाँ से आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर आप इसके पहले लेक्चर को देखते हैं और उसके बाद इस लेक्चर को देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, पहले आप उसको देख लीजिएगा। आई होप कि आप उसको देख लिए होंगे, तभी इसको देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हेडिंग हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी कि इसी को हिंदी में लिखा गया है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ध्यान दीजिए, हम लोग करना क्या है, तो हम लोग ये समझते हैं कि अगर कोई पॉइंट पॉइंट कोई ले दिया, हम लोग इसको मानते हैं कि ये पॉइंट ओ है। पॉइंट क्या नाम क्या दिया हम लोग, ओ, नीचे रख देते हैं ओ। और इस पॉइंट पर कोई चार्ज हम लोग रखे हैं, मान लीजिए कि ये कैपिटल क्यू चार्ज रखे हैं हम लोग। क्या किए, एक पॉइंट लिए और उस पॉइंट पर एक चार्ज रखे, हम लोग उसको क्या कहते हैं, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज रखे, जब ये सोर्स चार्ज रखेंगे तो जानते हैं कि सोर्स चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने चारों ओर, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी बिंदु पी पर, मान लीजिए कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक बिंदु पी है जो इस बिंदु ओ से कुछ आर डिस्टेंस पर है। कितना डिस्टेंस पर है, आर, यानी इसके और इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, आर डिस्टेंस पर है। और इस बिंदु का नाम दिए हम लोग पी, क्या किए पी। और इसी बिंदु पी पर हम लोग को बताना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। बात को समझ रहे हैं, फिर समझिए करना क्या हम लोग को, कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम लोग क्या किए कि जिस बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उसके विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु को हम लोग लिए और उसका नाम क्या किए, पी नाम दिए। और मान लिए कि वो जो सोर्स चार्ज है उससे आर दूरी पर है। अब इस बिंदु पी पर हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके पहले वाले लेक्चर में क्या बताया गया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, कौन सा, क्योंकि अभी आप यह फॉर्मूला जानते भी हैं, E इक्वल टू वेक्टर E इक्वल टू F बाई क्यू नॉट, ये फॉर्मूला जानते हैं, जानते हैं ऐसा। तो अगर हम लोग को इस फोर्स की जानकारी हो जाए और ये क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज है, इस दोनों की जानकारी हो तो हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। अब ये बताइए कि पहले ये क्यूनोट चार्ज क्या है, तो ये तो आप जानते हैं क्या, टेस्ट चार्ज है। उसका काम क्या है, तो उसका काम यही है कि विद्युत क्षेत्र का पता लगाना कि कहां विद्युत क्षेत्र है और कहां नहीं है, और जितना फोर्स इस पर लगेगा विद्युत क्षेत्र के द्वारा उसमें उस चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगा। और इसके बारे में पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आपसे बोल रहा था कि पहले आप इसके पिछले वाले लेक्चर को देखें तब आप इसको ये वाला लेक्चर आपको अच्छे समझ में आएगा। अब आपको समझ में आया कि पिछले वाला लेक्चर का क्या महत्व है, तो से मेरा फिर रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप पहले ही ये देख रहे हैं, अगर आप इसके पहले लेक्चर नहीं देख रहे हैं तो पहले आप उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो ठीक है, तो ये समझिए हम लोग क्या बता रहे थे अभी आपको, तो ये बता रहे थे कि इस पॉइंट क्यू ओ पर जो सोर्स चार्ज क्यू है उसके विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पी पर जो कि r दूरी पर है तो हम लोग बताना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज को लाते हैं। तो हम लोग क्या किए कि इस पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज Q नॉट को लाए, क्या कि टेस्ट चार्ज Q नॉट को लाए। अब ये बताइए कि जब टेस्ट चार्ज ये Q नॉट आया इस Q चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इसको ये सोर्स चार्ज क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, रिपेल करेगा, मतलब कि अपने से दूर भेजेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस पर लगाया गया इसे। तो अब आप यहां से क्या देख रहे हैं कि इस प्लस क्यू चार्ज के कारण बिंदु पी पर जो टेस्ट चार्ज क्यू रखे उसका
उस पर उस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पर कितना फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है। अब यहां से हम लोग का फॉर्मूला अप्लाई हो जाए कौन, ई इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, सही है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हम लोग को इन बातों को लिखना होगा। अब कैसे लिखेंगे वो यहां लिखिए, लिखेंगे क्या, माना कि ओ, देख रहे हैं कि जो भी बातें हम लोग इस फिगर में माने हैं अपने मन से या जो भी बातें दिया गया है उन सभी बातों को हम लोग यहां पर नोट कर दिए हैं। अब एक बात इसमें आ रहा है, कौन सा, क्यूनोट चार्ज। क्यूनोट चार्ज हम लोग क्यों अपने मन से लिए, वो इसीलिए लिए क्योंकि हम लोग को बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसको भी मेंशन कीजिए, देखेंगे क्या, बिंदु P पर क्यूनोट माना, इसको मान लिए। अब ये बताइए तो क्या लिखेंगे, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या जानते हैं, फॉर्मूला अभी तक आप जो पढ़े हैं E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, ये फॉर्मूला आप जानते हैं तो यूज कीजिए। तो यहां से क्या आएगा, E इक्वल टू, और ये होता है वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर एफ बाई क्यू नॉट, ऐसे। अब ये बताइए यहां से आप देख रहे हैं क्या कि हम लोग माने हुए हैं ओ मूल बिंदु माने हुए हैं, इसको हम लोग क्या माने हुए हैं, मूल बिंदु क्यों माने, मूल बिंदु हम लोग इसीलिए माने क्योंकि यहां से अगर यहां तक इसका डिस्टेंस आ रहा है तो इसके बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है इसको हम लोग वेक्टर बना सकते हैं, यानी कि वेक्टर आर। मूल बिंदु क्यों माने हैं, समझ लीजिए इसको, मूल बिंदु इसलिए माने हैं ताकि मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु पी का स्थिति सदिश लोग क्या करें, वेक्टर आर दर्शा सके, समझ रहे हैं। चलिए तो यहां से E इक्वल टू क्या है, F बाई क्यू नॉट। अब ये बताइए, क्रॉस चेंज कर देते हैं, यहां से हम लोग को क्या करना है, तो यहां से हम लोग को अब F का वैल्यू पुट करना है। ध्यान दीजिए, हम लोग को जो भी रिलेशन चाहिए वो इस फिगर में किसी किसके बारे में, हम लोग क्यू नॉट अपने मन से माने हैं, क्या क्या दिया था इसमें, क्यू और ये आर, तो जो फॉर्मूला चाहिए वो क्यू और आर में ही, क्योंकि क्वेश्चन क्या रहेगा यहां पर देख लीजिए, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु आवेश दिया रहेगा और इसके बीच की दूरी दी रहेगी, तो दो ही चीज ना, एक बिंदु आवेश और एक दूरी, तो यहां पर देख रहे दोनों में कोई नहीं आया। तो अब यहां से देखिए, इसका मान तो हम लोग को चाहिए लेकिन ये दोनों नहीं चाहिए, तो इसमें एक चीज निकल सकता है क्या, एफ का वैल्यू, कैसे, कूलम के नियम के अनुसार, देखिए कूलम के नियमानुसार, कूलम के नियमानुसार ये बताइए वेक्टर एफ इक्वल टू क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये फ्री स्पेस में रखा गया है, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वन क्यू टू, तो ये है क्यू वन और ये है क्यू टू, यानी कि कैपिटल क्यू इंटू क्यू नॉट और बटा क्या, आर स्क्वायर, तो ये बीच का डिस्टेंस क्या है आर, और चूंकि ये वेक्टर है तो क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग को वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो यहां पर बीच का डिस्टेंस क्या है आर, तो यहां पर लिखेंगे आर कैप, अच्छे समझ में आ रहा है। अब ये बताइए, यहां से इस क्यू नॉट का वैल्यू हम लोग इधर ला देते हैं, क्यू नॉट क्या है, गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो यहां से लिख सकते हैं एफ बाई क्यू नॉट, वेक्टर एफ बाई क्यू नॉट, क्यू नॉट गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो इधर क्या आया, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या, कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये आर कैप, ऐसे आएगा। तो अब क्या आया, यहां से देखिए, इसको मानिए आप इक्वेशन फर्स्ट और इसको मानिए इक्वेशन टू, और लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आएगा, देखिए यहां से देख रहे हैं एफ बाई क्यू नॉट का वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, वेक्टर ई, तो देयर फोर वेक्टर ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से इसके जगह रख दिए वेक्टर ई, ये पूरा आ जाएगा, यानी कि 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये वेक्टर आर कैप, तो ये रहा हम लोग का रिजल्ट। ये किस फॉर्म में है, सदिश फॉर्म में, सदिश रूप में है, तो इसको हम लोग परिमाण में लिखते हैं, परिमाण में क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू बाई आर स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, तो यहां से ये हो गया
फॉर मार्केट। इतना बात समझ में आया। अब यहां से एक बात ध्यान दीजिए, क्या कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या बता रहा है, ये आर कैप, क्या बता रहा है आर कैप, और आर कैप की दिशा तो इधर है फोर्स के डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में। और यहां से एक और बात समझिए, क्या कि ई और ये आर, ध्यान देंगे ई और ये आर में क्या रिलेशन आ रहा है, तो लिख सकते हैं यहां E और R में रिलेशन आ रहा है, E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, और ये बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, इसको भी आप याद रखेंगे। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से डेरिवेशन समझ में आया। अब इस पर देखते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसके बाद देखते हैं इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स को। तो अभी आप देखेंगे एक फॉर्मूला कौन सा, ई इक्वल टू यानी विद्युत क्षेत्र कितनी होता है, ई इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर। ये कैपिटल क्यू क्या था, सोर्स चार्ज, और ध्यान दीजिए थोड़ा सा, चलिए आपको दोनों फॉर्मूला में एक बार, अभी तक आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के दो फॉर्मूला देख चुके हैं, एक फॉर्मूला पढ़े थे E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, और ध्यान दीजिए यहां पर क्या पढ़े थे E इक्वल, ये पिछले लेक्चर में E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, और आप इसी लेक्चर में पढ़े E इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहां पर जो चार्ज है वह सोर्स चार्ज है, और यहां पर जो चार्ज है वह टेस्ट चार्ज है, यह ध्यान देंगे। जब बल दिया रहेगा तो उसके साथ स्रोत आवेश नहीं रहेगा, वहां से जांच आवेश टेस्ट चार्ज रहेगा, और जब दूरी दिया रहेगा तो उसके साथ सोर्स चार्ज दिया रहेगा, ये आप दोनों फॉर्मूला में अंतर समझेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग को यहां पर तो ये नहीं समझना था, बता दिए दोनों फॉर्मूला को रिलेट करके, यहां पर हम लोग को जो समझना है वो ये समझना है, ये तो आया q बाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग यहां से ऐसे भी तो लिख सकते हैं, e देखिए ये क्या है, कांस्टेंट है, और ये चार्ज q है ये भी कांस्टेंट, इसका भी वैल्यू कुछ कुछ दिया ही रहेगा, तो बचा क्या 1 बाई आर स्क्वायर, तो e प्रोपोर्शनल हो गया किसके, 1 बाई आर स्क्वायर के। अब यहां देखिए थोड़ा सा पढ़ने में बारीकी क्या है, पढ़ने में क्या ध्यान रखना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिए, अगर ये पढ़ते हैं E, इसको पढ़ते हैं समानुपाती, क्या बोले समानुपाती, समानुपाती इंग्लिश में प्रोपोर्शनल, E प्रोपोर्शनल टू यानी E समानुपाती, जब समानुपाती पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा 1 बाई आर स्क्वायर, 1 बाई आर स्क्वायर के समानुपाती है, लेकिन अगर आप इसी को पढ़ते हैं विद्युत क्रमानुपाती, विद्युत क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ध्यान दीजिए तब आपको बोलना होगा आर स्क्वायर, क्या बोलना होगा आर स्क्वायर, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ध्यान देंगे ये देखिए दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, लेकिन 1 बाई आर स्क्वायर के समानुपाती होती है। ये बात आपको समझ में यहां से आया, अब ये बताइए तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, जैसे ये देखिए ये है 5 और ये है 10, ये इसको हम लोग क्या किए बढ़ा दिए 4 टाइम्स, ये मान लीजिए कैसे भी करके हम लोग इसको कर दिए 8 कर दिए, ये बढ़ गया वैल्यू, ये मान लीजिए ये 9 हो गया, तो क्या देख रहे हैं यहां से ये बढ़ रहा है और ये क्या हो रहा है घट रहा है, तो जब एक बढ़ता है एक घटता है तो क्या बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, क्या बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, और जब एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है तो उसको बोलते हैं समानुपाती। अब यहां ध्यान दीजिए तो जब समानुपाती बोलेंगे तो E बढ़ेगा तो 1 बाई आर स्क्वायर भी बढ़ेगा, लेकिन वही जब व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे तो E बढ़ेगा तो आर स्क्वायर घटेगा, और अगर E घटेगा तो आर स्क्वायर बढ़ेगा। अब यहां समझिए ग्राफ में ये E तथा आर स्क्वायर के बीच आलेख, अभी आप क्या देखेंगे आर स्क्वायर और ई में कैसा संबंध, यहां देखिए ई और आर स्क्वायर में कैसा संबंध व्युत्क्रमानुपाती, अभी आप देखिए भी, और यहां देखिए ई और 1 बाई आर स्क्वायर में कैसा संबंध समानुपाती, तो यहां देख रहे हैं ई तथा 1 बाई आर स्क्वायर के बीच अलग। अब ये बताइए इसको कैसे समझें हम लोग, तो यहां ध्यान दीजिए आपको आलेख यही ड्रॉ करना है जो मैं ब्लैक से बता रहा हूं वो केवल समझने के लिए। अब यहां देखिए हम लोग का जो ये डिस्टेंस है ये इधर क्या बताएगा आर स्क्वायर का,
और ऊपर नीचे क्या बताया गया, ये ई का वैल्यू। तो देख रहे हैं ये हम लोग इतना लिए, किसका वैल्यू, ये आर का। तो देख रहे हैं कि ई का वैल्यू हम लोग को इतना मिल रहा है, सही है। अब आर स्क्वायर का वैल्यू हम लोग घटा बढ़ा देते हैं, आर स्क्वायर का वैल्यू देखिए क्या बढ़ा। पहले क्या देख रहे थे आप कि पहले इतना मिल रहा था आर स्क्वायर का वैल्यू, अब ये इतना बढ़ गया, इतना मिल गया, यानी कि इतना तो बढ़ गया ना। तो अब देखिए तो क्या आ रहा है, तो जो ई का वैल्यू आ रहा है वो इतना आ रहा है, यानी क्या हो गया, घट गया। और बढ़ाइए आर स्क्वायर का वैल्यू, आर स्क्वायर का वैल्यू और बढ़ा दिए, देख रहे ये इतना हो गया, पहले इतना था अब ये इतना हो गया। तो ई का वैल्यू पहले इतना मिल रहा था अब इतना मिल रहा है, यानी क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, मतलब कि व्युत्क्रमण पाति। तो ई तथा आर स्क्वायर के बीच का जो आलेख होगा वह ऐसे होगा, सही समझे। अब यहां समझिए ये क्या, ई तथा वन बाई आर स्क्वायर के बीच आलेख, और ये क्या बताता है, दोनों में क्या समान होता है, समानुपाती का मतलब ये कि ई बढ़ेगा तो वन बाई आर स्क्वायर भी बढ़ेगा। आइए देखते हैं, देख रहे हैं कि ई यहां है, इतना लिए हम लोग ई इतना लिए, तो इसके ये आर इस दिशा में इतना हो गया, ई थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, तो हम लोग ये इस बार ई इतना ले लिए, क्योंकि ऊपर नीचे जुड़े रहे वह क्या है, ई है, और जो दायां बायां ले रहा वह क्या है, वन बाई आर स्क्वायर है। तो देखिए पहले ई इतना था, अब ई का वैल्यू इतना कर दिए, बढ़ा दिए, तो आर वन बाई आर स्क्वायर का वैल्यू पहले इतना था, अब क्या हो गया, देख लीजिए यहां से ये और बढ़ गया, बढ़ गया इतना से ये इतना बढ़ गया। फिर क्या करते, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, तो और बढ़ाए तो ये कुछ ये ऐसे बढ़ा दिए, देख रहे हैं पहले इतना था अब इतना कर दिए, तो क्या वन बाई आर स्क्वायर का वैल्यू बढ़ा, देखिए तो पहले ये इतना था अब ये इतना बढ़ गया, तो ये और बढ़ रहा है, मतलब क्या इसमें एक के बढ़ाने से दूसरा भी बढ़ रहा है। तो ध्यान देंगे, अगर ई और आर स्क्वायर के बीच ग्राफ कहे तो ये बताना है हम लोग को, और ई तथा वन बाई आर स्क्वायर के बीच ग्राफ कहे तो हम लोग को ये बताना। आई होप कि आपको ग्राफ समझ में आया। अब देखते हैं जो फॉर्मूला तो अभी आप फाइंड किया, कौन सा, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर, इसी पर बेस्ट एग्जांपल्स को। तो देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन है हम लोग का यूरेनियम नाभिक, और इस यूरेनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु संख्या को जेड से सूचित करते हैं, 92 होता है। कि त्रिज्या, इसकी त्रिज्या दी गई है 6.8 × 10⁻¹⁵ मीटर है। यदि नाभिक का धनावेश एक समान रूप से वितरित हो तो यूरेनियम नाभिक की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देंगे हम लोग, क्या बताया गया इसमें कि एक यूरेनियम नाभिक है, तो हम लोग ये मान लिए कि ये यूरेनियम नाभिक है, ये मान लिए हम लोग। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि यूरेनियम नाभिक अगर है तो इसके नाभिक में तो रहता है प्रोटॉन, और इस प्रोटॉन की संख्या कितनी, तो इस परमाणु संख्या के बराबर, तो क्यू इक्वल टू कितना, कुल आवेश कितना, यहां पर इसको जेड ई लिखते हैं, तो जेड का मान 92, तो 92 इलेक्ट्रॉन। अब इस 92 में हम लोग को ई से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम से, सही है। अब क्या कह रहा है ये समझिए, यूरेनियम नाभिक की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब ये जो सतह दिख रहा है आपको ये इस पर बताना है, तो यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, आप किधर भी देखेंगे तो यहां से डिस्टेंस क्या है, चारों तरफ बराबर ही है, डिस्टेंस क्या है, बराबर। और यही डिस्टेंस अगर हम मान लीजिए कि यहां पर निकालना चाहते हैं, या यहां पर निकालना चाहते हैं, यहां पर निकालना चाहते हैं, तो ये दूरी बता रहा है, यही तो बता रहा है क्या, ये आर, जो फॉर्मूला पढ़े थे ई इक्वल टू 1/4πε0Q/r2, ये आर। अगर स्मॉल आर बोले हैं तो स्मॉल आर लिखेंगे, कैपिटल आर बोले हैं तो कैपिटल आर, स्मॉल आर लिख दीजिए। तो ये बताइए ये आर क्या है, त्रिज्या है, और क्यू का वैल्यू निकल गया, तो यहां से क्यू हम लोग फॉर्मूला में क्या रखे थे, कैपिटल क्यू, तब कैपिटल क्यू रखिए, स्मॉल क्यू भी रखिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आर का वैल्यू कितना आ गया, ये त्रिज्या जितना, यानी 6.8 × 10⁻¹⁵ मीटर। तो देख रहे हैं कि चार्ज का भी वैल्यू मिल गया, आर का भी वैल्यू मिल गया, और क्या पूछ रहा है, ई। तो अभी आप फॉर्मूला भी पढ़े, क्या ई इक्वल टू 1/4πε0 और Q/r2, इसी में इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इसका वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, 9×10⁹ × Q, और Q यानी कि ये वैल्यू, तो 92×1.6 × 10⁻¹⁹ / r2, मतलब ये कि इसका होल स्क्वायर, तो ये आएगा 6.8 × 10⁻¹⁵
पाई और इसका ये होल स्क्वायर। अब यहाँ पर करना क्या है, केवल कैलकुलेशन है, तो आप कैलकुलेशन करेंगे इसका डायरेक्ट रिजल्ट में लिख दे रहा हूँ इसका आंसर क्या आने वाला है। तो इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.9×10^21। और चूंकि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रा का इसके पहले पास बताया गया है क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम्ब, एंड दिस इज आंसर। यहाँ पर कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आप बुरा भाग कर सकते हैं पैसे। तो ये तो रहा जो क्वेश्चन, अभी आप देखे ये तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहा, ठीक है। इसी पर एक बहुत अच्छा नजर कर देखते हैं जो एनसीईआरटी बुक का है। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश +3 μC तथा -3 μC एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर निर्वात में रखे गए हैं। अब कह रहा है, फर्स्ट में कह रहा है दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ध्यान दीजिए, पहले इसका फिगर बनाइए। हम लोग दो आवेश दिया गया है, एक यहां पर दिया गया है +3 μC और एक और दिया गया है यहां पर, दो मान लीजिए हम लोग यहां पर -3 μC दो चार्ज दिया गया। देख लीजिए क्या कह रहा है, एक दूसरे से कितना मीटर की दूरी, कितना सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि यहां से और ये यहां तक इसके बीच का डिस्टेंस ये टोटल कितना है, ये टोटल 20 है, 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर स्मॉल सी स्मॉल एन, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर है। अब क्या कहते हैं, आगे बढ़िए, निर्वात में है, यानी कि इसके बीच का जो माध्यम है क्या है, निर्वात है, तो निर्वात है तो लोगों को क्या लेना पड़ेगा, ε0, ठीक। अब आगे क्या कहता है, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यानी कि दोनों के जो बीच का मध्य बिंदु है, दोनों के बीच का मध्य बिंदु हम लोग यहां मान लीजिए, ठीक है, यहां मान लीजिए ये, और मध्य बिंदु है तो मिड पॉइंट, और इसको मान लीजिए क्या है, ये नाम दे देते हैं, यहां पर क्या नाम देते हैं, एम, और इसको मान लीजिए ए, और इसको मान लीजिए बी, अपने मन से मान लीजिए कुछ भी ना, ठीक है। चलिए अब इस बिंदु एम पर हम लोग को बताना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, सही है। अब ये बताइए, तो इस बिंदु एम पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर कुछ देर के लिए मानिए कि ये नहीं है, ये आवेश नहीं है, तो क्या होगा, इस बिंदु ए पर जो आवेश है उसके कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ देर के लिए ये मानिए कि ये नहीं है, तो इसके कारण इस बिंदु एम पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना पड़ेगा, यानी कि ए बिंदु पर यानी +3 μC आवेश के कारण भी बिंदु एम पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना पड़ेगा, और -3 μC आवेश के कारण भी बिंदु एम पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना पड़ेगा, और तब देखेंगे कि दोनों को हम जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, सही है। तो देखिए यहां से जब हम लोग ए के कारण बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो उसका डायरेक्शन किधर, तो ये बताइए, आप लोगों को बताया गया था क्या कि अगर ये प्लस है तो इसको क्या करेगा, ढका देगा, यानी कि रिपेल करेगा, विकर्षित करेगा, यहां पर क्या मिड पॉइंट में है, और मिड पॉइंट में, ठीक है, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो जब रिपेल करेगा तो इधर इधर जाएगा, कैसे, ये ए के कारण है तो इसको मान लेते हैं क्या ई ए, क्या मान लीजिए ई ए। अब ये बताइए अगर -3 μC के कारण इस पर हम लोग क्या बताना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होता है, तो बल की दिशा में, तो इस पर ये -3 μC इस पर कैसा फोर्स लगाएगा, तो ये निगेटिव है तो क्या करेगा, फिर खींचेगा, अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा, आकर्षण का, तो जब ये इसको खींचेगा बताओ कि ऐसे, यानी कि इस दिशा में फोर्स, तो ये भी इधर लगाया फोर्स, यानी कि इधर ही रहेगा दोनों, तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, एक ही हो गया, जब दोनों का डायरेक्शन एक ही हो गया तो दोनों का क्या करेंगे, निकाल करके जोड़ देंगे, सही है। तो लिखते हैं +3 μC आवेश के कारण बिंदु एम पर विद्युत
एम्पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग क्या लिखे हैं इसके लिए प्लस थ्री, यानी इसके कारण क्या लिखे ई ए, तो ई ए इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई आर स्क्वायर। ध्यान देंगे क्यू का मान प्लस थ्री माइक्रो कूलम और आर इसके और इसके बीच का डिस्टेंस। तो एम क्या है, मिड पॉइंट है और जब मिड पॉइंट है तो 10 सेंटीमीटर ये भी होगा और 10 सेंटीमीटर ये भी होगा, होगा ऐसे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहां से आएगा ये 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इस q के जगह ध्यान देंगे क्या लिखेंगे 3, तो ये तो 3। और एक और बात ध्यान दीजिए, जो भी हम लोग यूनिट रखते हैं वह कूलम में रखेंगे, तो यहां पर क्या है 3 माइक्रो कूलम और अब जानते हैं माइक्रो कूलम को जब कूलम में बदलते हैं तो ध्यान दीजिए 3 माइक्रो कूलम है, इसको जब हम लोग कूलम में बदलेंगे तो 3 × 10⁻⁶ कूलम हो जाएगा, माइक्रो रहता है तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई, तो यहां पर क्या होगा 3 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई आर। आर किसमें है, सेंटीमीटर में है, आर किसमें है सेंटीमीटर में, तो यहां पर जब 10 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में बदलेंगे तो सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 10⁻²⁰ से मल्टीप्लाई, तो 10 × 10⁻²⁰ से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 10 × 10⁻², तो ये आएगा 10⁻¹ मीटर, सही है। चलिए फिर पुट किया जाए तो यहां पर क्या आएगा 10⁻ ये -1 का होल स्क्वायर, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां से ये आ गया ई ए इक्वल टू क्या आएगा, तो ई ए इक्वल टू 1/4πε₀, तो इसका वैल्यू रख देते हैं कितना 9 × 10⁹, इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं और ये देखिए 3 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा -1, जो 2 मल्टीप्लाई करेगा 10⁻², ऊपर जाएगा तो 10⁻+2, तो ये आया देखिए 9 × 3 = 27 × 10⁹ पहले से है, ये 9 में 3 से मल्टीप्लाई किया 27, 10⁹ जैसे है वैसे लिख दिए और यहां से 10⁻⁶ × 10⁻², ऊपर जाएगा तो +2, तो ये 10⁻² और इस तरीके से आया 27 × 10⁻, देखिए 9 और 2 11 और -6 तो 10⁻± में कितना जाएगा 5, इतना न्यूटन पर कूलम। ये ई का वैल्यू आया, ऐसे ही हम निकालेंगे यानी -3 माइक्रो कूलम आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसके लिए फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा ई बी इक्वल टू ध्यान देंगे 1/4πε₀, ये तो रहेगा ही लेकिन यहां पर जो फॉर्मूला लिखते हैं ये क्यू ये साइन के साथ नहीं रहता है, प्लस हो चाहे माइनस हो साइन के साथ नहीं रहता है, यहां पर माइनस है तो भी क्या है इसका मैग्नीट्यूड रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर और जब इसका वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा इसका तो आ जाएगा 9 × 10⁹ इंटू और इस क्यू का वैल्यू कितना ये 3 माइक्रो कूलम, क्यों है तो -3 माइक्रो कूलम बट यहां पर क्या लेते हैं उसका मैग्नीट्यूड है और जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आएगा 3 माइक्रो कूलम और 3 माइक्रो कूलम की जगह देखिए ये लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और इसके और इसके बीच का भी डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 10⁻⁻¹, तो ये आ गया 10⁻⁻¹। अब ये बताइए क्या ये और इसका होल स्क्वायर है, तो क्या ये वैल्यू ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर ये और ये एक ही जैसा है, दोनों एक ही है, तो ईबी का वैल्यू भी कितना आ गया, ईबी का वैल्यू आ गया जो इसका आया है यानी कि 27 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम, अतः बिंदु M पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या आ जाएगा, तो EA प्लस EB और दोनों का जोड़, तो EA भी है 27 गुणे 10 के पावर 5 और EB का मान भी 27 गुणे 10 के पावर 5, जब दोनों को जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 54 गुणे 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम एंड दिस इज आंसर। तो ये तो रहा इस फर्स्ट पार्ट का, अब देखना है इसके सेकेंड पार्ट का, यानी कि यदि इस बिंदु पर 1.5 × 10 का पावर माइनस 9 कूलम का आवेश रख दिया जाए, यानी इसी पॉइंट पर कलर चेंज करते हैं, इसी पॉइंट पर अगर ये चार्ज रख दिया जाए तो उस पर कुल कितना बल लगेगा, ध्यान दीजिए इसी पॉइंट पर हम लोग निकाल चुके हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये 54 × 10 के पावर 5 और इसी पॉइंट पर अगर किसी चार्ज को रखा जाए तो उस पर कुल कितना बल लगेगा, तो हम फॉर्मूला जानते हैं क्या कि अगर किसी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल कितना, इसका भी फॉर्मूला हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि पहले वाले लेक्चर को पढ़ें, सही है। तो ध्यान दीजिए, तो क्या पढ़े हम लोग फॉर्मूला, फॉर्मूला यही पढ़े हैं, इसको मिटा दीजिए क्वेश्चन को। तो इस बिंदु एम पर कितना चार्ज रखा गया था, जो चार्ज रखा गया था वह 1.5 × 10⁻¹⁹ कूलम, सही है। और E का मान निकाल ही चुके हैं उस बिंदु पर कितना, 54 × 10⁻¹ यहां से 5 न्यूटन प्रति कूलम, और पूछ रहा है कि इस पॉइंट पर कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं कितना Q × E, ध्यान दीजिए अगर किसी पॉइंट पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता हो और वहां पर का आवेश पता हो तो दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, वहां पर का बल निकल जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए कौन सा, Q का मान 1.5 × 10⁻¹⁹ × 54 × 10⁵ और इसी को सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा आंसर, देख लीजिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा ऐसे डेसिमल और ये 10 का पावर कितना, तो 10 का पावर माइनस 9 और 10 का पावर 5, तो 10 का पावर हो जाएगा ये माइनस में 4, यानी 81 × 10⁻⁴, और चूंकि फोर्स है इसलिए ये न्यूटन एंड दिस इज आंसर। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट्स इस लेक्चर्स में देखें कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे और उस पर बेस्ड दो एग्जाम्पल्स को, एक सिंपल प्रॉब्लम और एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम, उसके बाद आप देखे थे ई और दूरी आर जब समानुपाती होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा दोनों के लिए ग्राफ भी देखे थे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें कि आपको ये सब वीडियो फिजिक्स के लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं और दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें। इसके बाद वाले लेक्चर में हम देखने वाले हैं जब देख लीजिए यहां से, अगर किसी बिंदु के चारों ओर अगर एन चार्ज हो तो इस पॉइंट पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अभी आप क्या देखें कि किसी बिंदु पर एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके बाद वाले लेक्चर में देखने वाले हैं हम लोग कि किसी बिंदु पर अनेक आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। जैसे आप कूलम्स लॉ में देखे थे क्या कि विद्युत बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत, तो वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। तब तक इस वीडियो को देखते रहिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।